दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चौथे दिन ही टीम इंडिया के सामने अंग्रेजों ने डाल दिए हथियार, तो इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स तो फूट फूट कर रोने लगे। और अब भारत पर ही बेईमानी के आरोप लगाते हुए उन्होंने जो कह डाला, उनकी बातें सुनकर आप भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो आखिर क्यों बने बेन स्टोक्स अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए? आखिर कैसे एक बार फिर उन्होंने अपना पुराना रोना धोना गाते हुए अपनी हार का जिम्मेदार पिच और गलत फैसलों को ठहरा दिया? उनका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जायसवाल, गिल और सरफराज खान में आपका सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, एक बार फिर टूटा है घमंडी इंग्लैंड का गुरु। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में एक ऐसा कांटे का टेस्ट मैच देखने को मिला जिसे चार दिनों में ही टीम इंडिया ने खत्म कर दिया। वो भी उस दरमियान जब ऐसा लग रहा था ये मैच तो ड्रॉ हो जाएगा या फिर इंग्लैंड उसे अपना नाम कर लेगी। और ये संभव हो पाया यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक के साथ साथ गिल सरफराज की तूफानी बैटिंग और भारत के स्पिन गेंदबाजों के जलवे के कारण। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने सफेद जर्सी में टेस्ट को T20 बनाते हुए 214 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेल डाली, जिसे उन्होंने 14 चौके तो वहीं 12 खौफनाक छक्कों से सजाया था। उनका बखूबी साथ निभाते हुए गिल ने 51 तो वहीं सरफराज खान ने भी तूफानी 68 रन बना दिए। उसके दम पर इंग्लैंड को चौथी पारी में 557 रनों का लक्ष्य हासिल हुआ था, जिसे चेज करना तो अंग्रेजों के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। ये बात तो हर किसी को पता थी, चाहे इंग्लैंड दो बार बैटिंग कर लेती लेकिन इस लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच सकती थी, ऐसा सभी का मानना था। और उम्मीद के मुताबिक ही भारतीय गेंदबाजों ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। पहले बुमराह तो फिर उनके बाद आया सर रविंद्र जडेजा का तूफान, और उन्होंने ऑली पॉप और जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड की हार सुनिश्चित कर दी, उनकी कमर तोड़ दी थी। उनके बाद बारी आई कुलदीप यादव की, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और एक के बाद एक इंग्लैंड के सबसे बड़े तीन बल्लेबाज जो रूट और बेन स्टोक्स के साथ रियान अहमद को चलता कर केवल 50 रनों पर ही 7 इंग्लिश बल्लेबाजों को ढेर कर टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर मोहर लगा दी। और चौथे दिन ही टीम इंडिया ने 2-1 से इस टेस्ट सीरीज में बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद तो जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, तो वहीं इंग्लिश खेमे में मातम छाया हुआ था, क्योंकि बेसबॉल के प्लान पर भारतीय टीम ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया था। और एक बार फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, दोबारा से इंग्लिश खिलाड़ियों ने अपना पुराना रोना धोना शुरू कर दिया। यहां तक कि अब इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का रिएक्शन सामने आया, वो काफी गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा पिच के साथ क्या हुआ। जब भारतीय बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था जैसे फ्लैट पिच है, लेकिन जैसे ही हमारी बैटिंग आई तो स्पिन गेंदबाजों को इतनी ज्यादा मदद मिलने लगी। जब हम पवेलियन गए थे उस दौरान जरूर पिच से छेड़छाड़ हुई होगी, क्योंकि ऐसा टीम इंडिया कर सकती है, उन्होंने पहले भी किया हुआ है और ये उनका घर है। इतनी बड़ी हार की उम्मीद तो हमने भी नहीं की थी, ये हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन हर हार के पीछे कोई कारण होता है। जायसवाल और सरफराज ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, वो दोनों हमसे मैच को दूर ले गए और हम वहीं पर लगभग हार गए थे। हमारे गेंदबाज विकेट नहीं ले पाए और वो हमारी सबसे बड़ी नाकामी थी। जी हाँ दोस्तों, केवल यही नहीं, आगे उन्होंने कह दिया कि हमें पता था कि टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों का सामना करना उतना आसान नहीं होगा और ऐसा ही हुआ। फिरकी के सामने एक बार फिर हम पूरी तरीके से ढेर हो गए और हमारा कोई भी प्लान काम नहीं आया। इस हार को बर्दाश्त करना काफी मुश्किल है, इसके साथ कई बड़े बड़े कारण है, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा क्योंकि कुछ ही दिनों में अगला टेस्ट मैच शुरू है और हमें उसकी तैयारी करनी है, लेकिन हम टीम इंडिया से बदला जरूर लेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से बेन स्टोक्स ने तो अब अपनी गलती मानने की जगह हमें ही धमका डाला। लेकिन आपको क्या लगता है, इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है, जायसवाल, रोहित, गिल, जडेजा या फिर कोई और? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का चौथे दिन रोमांच जा पहुंचा। इंग्लिश टीम का घमंड देखने लायक था, वह तो छुट्टियां मनाकर भारत आए थे। उन्होंने सोचा कि टीम इंडिया को हराना बच्चों का खेल है, क्योंकि भारतीय टीम में अनुभव की कमी थी। लेकिन उनके इस गलतफहमी को भारत के युवा टैलेंट ने पल भर में तहस नहस कर दिया, जब तीसरे दिन शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल ने चौथे दिन अपने बल्ले से तूफान न केवल दोहरा शतक जड़ा बल्कि सरफराज खान के साथ मिलकर टीम इंडिया को इंग्लैंड पर 556 रनों की लीड दिलवा दी। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल ने सफेद जर्सी में टेस्ट को T20 बनाते हुए 214 रनों के रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली, जिसे उन्होंने 14 चौकों और 12 खौफनाक छक्कों से सजाया। तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए गिल ने 91, सरफराज खान ने भी तूफानी 68 रन बनाए। उसके दम पर इंग्लैंड को चौथी पारी में 557 रनों का लक्ष्य हासिल हुआ, जिसे चेस करना अंग्रेजों की बस की बात बिल्कुल नहीं थी। ये बात तो हर किसी को पता थी, चाहे इंग्लैंड दो बार बैटिंग कर लेती लेकिन इस लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच सकती थी, ऐसा सभी का मानना था। और उम्मीद के मुताबिक ही भारतीय गेंदबाजों ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। जहां ध्रुव जुरैल पिछली पारी के शतक वीर डकैत जल्दबाजी में ध्रुव जुरैल की जबरदस्त स्टंपिंग के चलते रन आउट हुए, तो फिर उनके साथी जैक क्रॉली को बुमराह ने अपनी 150 किलोमीटर वाली रफ्तार से LBW कर इंग्लैंड को केवल 18 के स्कोर पर दो बड़े झटके दिए। हालांकि उसके बाद अंग्रेजों ने संभलने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन तेज गेंदबाजों के बाद आया सर रविंद्र जडेजा का तूफान और उन्होंने ऑली पॉप जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड की हार सुनिश्चित करके उनकी कमर तोड़कर रख दी।
जहां स्कोर बोर्ड पर केवल 50 रन थे और इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद भी रुकना क्या होता है तो उन्होंने सीखा ही नहीं और बुमराह, जडेजा के अलावा कुलदीप और सरफराज ने भी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि चौथे दिन ही टीम इंडिया को एक यादगार जीत दिलाकर उन्होंने सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली। इसके बाद तो जहां इंग्लैंड खेमे में माताओं का माहौल है तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान को सलाम कर रही है। अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी सामने आए हैं। जी हां, सबसे पहले तो ब्रेंडन मैकुलम की आंखें पूरी तरह फटी रह गई। इंग्लिश कोच पूरी तरीके से हैरान थे और परेशान भी नजर आए, यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि हमने सोचा था बेसबॉल हमारा अंदाज है लेकिन इंडिया में आकर हमारी गलतफहमी दूर हो गई। यशस्वी और सरफराज तो हमसे बेहतर बेसबॉल खेल सकते हैं, यह मुझे आज पता चला। यदि हम दोनों इतनी तूफानी बल्लेबाजी नहीं करते तो इस मैच में इतने नहीं पीछे छूटते। टीम इंडिया ने हमें पूरे तरीके से हराया है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी रिएक्शन निकल कर सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही बताया था इंग्लैंड कभी भी इंडिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकती, वह भी भारत ही इन टैलेंटेड खिलाड़ियों के सामने। इस टीम में कोई भी बड़े नाम नहीं है, रोहित और जडेजा को छोड़ दे तो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जिसने 5 टेस्ट मैचों के एक्सपीरियंस हासिल किया हो, लेकिन आप देखिए कैसे यशस्वी ने बल्लेबाजी की, कैसे गिल बैटिंग कर रहे हैं, कैसे सरफराज ने डेब्यू मैच में ही सभी को इम्प्रेस किया। इंडिया जैसा टैलेंट दुनिया में किसी के पास नहीं है, यह उनकी सबसे बड़ी खूबी है। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने भी जायसवाल को बधाई देते हुए कहा, बैक टू बैक डबल सेंचुरी यशस्वी जायसवाल के लिए। उन्होंने रिवर्स को स्पिनर्स को बिल्कुल वैसे धोया जैसे कि उन्हें धोया जाना चाहिए, दे दनादन। इस धमाकेदार जीत की बहुत बहुत बधाई। यहाँ तक कि पाकिस्तान इन दोनों की बल्लेबाजी भारत की जीत के चर्चे की, हाँ शोएब अख्तर भी उनके मुरीद हो गए। उन्होंने कहा था कि माशाल्लाह इंग्लैंड यह सोचकर आई थी कि वह आसानी जीत जाएगी, लेकिन भारत के इन युवा टैलेंटेड खिलाड़ियों ने दिखा दिया क्यों भारत की इतनी खतरनाक टीम मानी जाती है। सच में उनसे कभी कभी जलन होती है कि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम को बुरे तरीके से हराते हैं। यशस्वी, सरफराज, गिल, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अल्लाह की मेहर रही तो टीम इंडिया 4-1 से टेस्ट सीरीज जीत जाएगी। यही नहीं, अब खुद गौतम गंभीर का कहना है कि यशस्वी जायसवाल टैलेंट की खदान है। यदि मैं कहूं कि वह भारत के दूसरे रोहित शर्मा है तो गलत नहीं होगा। उन्हें इस पारी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्हीं की वजह से हम इतनी आसानी से टेस्ट मैच जीते हैं। भारतीय टीम ने हर एक क्षेत्र में लाजवाब प्रदर्शन किया, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, फिर फील्डिंग भारत अव्वल दर्जे की करके आए, तभी तो हम चैंपियन बने हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सभी तो भारत के टैलेंट के गुलाम हो गए। और अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, यह एक यादगार जीत है, यशस्वी गिल टीम इंडिया का भविष्य है और उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लगा कि जैसे भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। सरफराज ने अपने डेब्यू मैच में जिस तरीके से बैटिंग की, उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया है। मुझे लगता है ये तीनों लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए खेलेंगे और इस दरमियान हमें कई बड़े बड़े रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, इन सभी दिग्गजों के बयान देखने के बाद आपको क्या लगता है, सरफराज, गिल और यशस्वी में कौन सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर इंग्लिश की पूरी पारी टीम इंडिया के 445 रनों के जवाब में जरूर केवल 319 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया ने 126 रनों के विशाल का लीड भी हासिल की। जब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तो इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई और इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा था कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था। ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस मुंबईकर ने न केवल 122 गेंदों पर 9 चौके और 5 छक्कों की बदौलत एक बार फिर इस खिलाड़ी ने पिछले टेस्ट मैच की तरह अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। हालांकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले ही वह 104 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। उनके आउट होने के बाद नाइट वॉचमैन के रूप में कुलदीप यादव को उतरना पड़ा। वहीं गिल ने भी बेहतरीन अर्धशतक जड़ा और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 196 रनों तक पहुंचाया। इंग्लैंड पर 322 रनों के लिए दिलवा दी। जहां गिल 65 रन बनाकर नाबाद थे तो वहीं कुलदीप यादव 3 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, जिसके बाद चौथे दिन हर कोई गिल का शतक देखने को बेकरार था। इन दोनों ने भी अपने फैंस की मुराद पूरी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। शुरुआत में ही इन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए न केवल उनके प्लान पर पानी फेरा बल्कि चौके छक्कों की ऐसी जबरदस्त प्रदर्शनी लगाई कि कुलदीप यादव और शुभमन गिल के बीच अर्धशत की साझेदारी हो गई। दोनों ने आज सुबह शुरुआत में कोई विकेट नहीं गिरने दिया। हालांकि 246 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को तीसरा झटका लगा। यह आज भारत को पहला झटका था। शुभमन गिल 91 रन बनाकर रनआउट हो गए। कुलदीप ने मिड ऑन पर शॉट खेला, तब शुभमन गिल आधे क्रीज पर पहुंच गए थे। स्टोक्स के थ्रो पर हार्टले ने शुभमन के लौटने से पहले गिल्लियां उखाड़ दी। इस तरह वन रन आउट हो गए और अपने शतक से चूक गए। उन्होंने इस दरमियान 9 चौके 2 छक्के भी लगाए। इसके बाद कुलदीप का साथ निभाने यशस्वी जायसवाल आए। हालांकि उनके बीच भी साझेदारी ज्यादा लंबा नहीं चली और भारत को 258 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लगा। कुलदीप यादव 27 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें रेहान अहमद ने रूट के हाथों कैच आउट कराया। उनके आउट होने के बाद डेब्यूडेंट सरफराज खान यशस्वी का बखूबी साथ निभाने आए और उसके बाद तबाही का ऐसा मंजर आया जिसने इस निरो को इतिहास के पन्नों में एक ही यादगार दिन के रूप में स्थापित कर दिया। इन दोनों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से लंच ब्रेक तक इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। चौथे दिन लंच ब्रेक तक भारत ने 4 विकेट गंवाकर 314 रन बना लिए। यशस्वी जायसवाल 149 रन और सरफराज 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी की और 62 गेंद में 56 रन की साझेदारी कर ली। इन दोनों के विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे इंग्लैंड खेमा रहम की भीख मांगने लगा। लंच के बाद उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की बखिया उखेड़ कर रख दी। टीम इंडिया को 450 रनों से अधिक की लीड दिलाई। सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल ने अपना 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया और दूसरी तरफ सरफराज ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए 50 रनों की साझेदारी निभाई। जायसवाल के लिए
सर पर खून सवार था। उन्होंने एंडरसन के खिलाफ छक्कों के हैट्रिक जड़कर इस दिग्गज गेंदबाज की आत्मसम्मान को काफी ठेस पहुंचाई, क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी इतनी बेदर्दी से पिटाई की थी। अगले ही ओवर में युवा बल्लेबाज सरफराज खान ने 65 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने भी आखिरकार वह किया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने आखिरकार 228 गेंद पर अपने दोहरे शतक को अंजाम दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवाया। उसके बाद भी रुकना क्या होता है ये तो उन्होंने सीखा ही नहीं।